नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्र का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया है, जिसके तहत उन्होंने कोविड 19 के बढ़ते माहौल पर चर्चा की है, जिसके बाद उन्होंने 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज मुहैया करवाने की बात कही है। इतना ही नहीं, नवम्बर तक उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी को मुफ्त राशन पहुँचाने का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही गरीब परिवार के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड भी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन से किसानों और करदाताओं का भी धन्यवाद व्यक्त किया है। साथ ही सभी लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री हो या कोई किसान, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं रखा जाएगा। प्रशासन से सख्ती के साथ काम करने की अपील की है। वहीं उन्होंने इसके साथ ही अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। शत्रुघ्न सिन्हा ने चीन के खिलाफ शुरू किया आतंक कसने का सिलसिला। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और आत्मनिर्भर भारत को लेकर केंद्र सरकार पर टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से चीन को भी आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने जोक्स आत्मनिर्भर भारत के लिए शेयर किया है, सिर्फ हंसने के लिए ही है, ऐसा उन्होंने अंत में लिखा है। वह चीनी सैनिकों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने लिखा है कि चीनी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, क्योंकि वो अपने बैट को खा जाते हैं और उन्हें अपनी बाउंड्रीज का पता नहीं है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम पर भी सरकार को घेरने के तहत उन्होंने लिखा कि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और लाखों रुपए के राहत पैकेज का कोई लेना देना नहीं है। चीन ने अमेरिकी लोगों पर लगाया वीजा प्रतिबंध। अमेरिका चीन के बीच का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी क्रम में चीन ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के खिलाफ आवाज उठाने से भड़के चीन ने अमेरिकी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अमेरिकी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उनसे यह भी साफ तौर पर कहा है कि हांगकांग के मुद्दे पर बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने हांगकांग में चीन की नीतियों के बदले में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध लगाया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र पर चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। हांगकांग 2019 से विरोध देखने को मिल रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा बिल को लेकर विरोध देखने को मिल रहा था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों ने चीन के इस नए नियम का विरोध किया है। दिल्ली में कोविड 19 के एक साथ हो रहे 3 टेस्ट। राजधानी दिल्ली में कोविड 19 के मामले में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की कोई बात नहीं कही गई है। वहीं एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका को देखते हुए ही वैज्ञानिक तरह तरह के टेस्ट करवाते हैं। दिल्ली में 25 जून को तय किया गया था कि यहां पर 20,000 लोगों का सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे की शुरुआत 27 जून से होगी। पहले दिन तकरीबन 677 सैंपल लिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में इस वक्त कई तरह के कोविड 19 टेस्ट एक साथ करवाए जा रहे हैं। उसमें से एक तो आरटीपीसीआर टेस्ट है, दूसरा एंटीजन टेस्ट है, जो दिल्ली में 19 जून से शुरू किया गया है। यह कई मायनों में आरटीपीसीआर टेस्ट की तरह ही होता है। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में तीसरे तरह का टेस्ट शुरू किया है, जिसको हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। अनलॉक 2 में इन संस्थानों को रखा जाएगा बंद। 1 जुलाई से पूरे देश में अनलॉक का दूसरा चरण लागू हो जाएगा, जिसके बाद कई तरह की गाइडलाइन को जारी किया गया है। अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन में अब 31 जुलाई तक बंद जारी रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव का अधिकार भी दिया है। इसके तहत राज्य सरकार शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर अपने आकलन के अनुसार गतिविधियों में छूट दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने अनलॉक 2 में रात में जारी प्रतिबंध के समय को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। वहीं सभी मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल्स और स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब खोलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल हुए भारतीय अंपायर नितिन मेनन। भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह 2020-21 सत्र के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नितिन मेनन को 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है और वह इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटरा घवन और सुंदरम रवि के बीच तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। रवि को पिछले साल ही बाहर कर दिया गया था। आईसीसी के महाप्रबंधक, खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर और मैच रेफरियों के सलाह के बाद समिति ने मेनन का चुनाव किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीजन यूनिट बनाने का किया दावा। सीएसआईआर के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में ऑक्सीजन यूनिट को डिजाइन किए जाने की बात कही गई है, जिसका उपयोग घरों, अस्पताल और सुदूर ग्रामीण इलाके में किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, कोविड 19 के बढ़ते मौजूदा हालात को देखते हुए काफी मददगार भी साबित होगा, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि इस यूनिट से ऑक्सीजन सिलेंडरों और वेंटिलेटर के लिए बढ़ती डिमांड को कम किया जा सकेगा, जिसके लिए
उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि CSIR और केमिकल ऑक्सीजन यूनिट को डिजाइन किया है जिसका उपयोग अस्पताल और सुदूर ग्रामीण इलाके में किया जा सकेगा। टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध से चाइना को लगा है करारा झटका। यूं तो भारत में कई सारे ऐप को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, मगर टिकटॉक के बंद होने के बाद चाइना को काफी ज्यादा झटका लग सकता है, क्योंकि टिकटॉक जैसी ऐप्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसके सहारे बाइटडांस जैसी कंपनी फेसबुक जैसी कंपनियों को टक्कर देने का सपना देख रही थी। कुछ ही सालों में टिकटॉक ने भारत में अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना ली थी। करोड़ों मोबाइल में ऐप डाउनलोड से टिकटॉक खूब कमाई भी करने लगा था। अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच 3 महीने के अंदर इस ऐप से 25 करोड़ का राजस्व मिला है। हालांकि कंपनी ने इस साल जुलाई से सितंबर के बीच 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू का लक्ष्य रखा था। इस पर विज्ञापनों के जरिए कंपनी की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा था। सिर्फ भारत की बात करें तो टिकटॉक को करीब 47 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था, यानी कि टिकटॉक के कुल वृद्धि का 30% हिस्सा भारत में था। डोभाल ने चीन और पाकिस्तान की साजिश के लिए 7 साल पहले ही किया था आगाह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साल 2013 में ही आगाह किया था कि चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जासूसी करवा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के संगठनों को इसके लिए सप्लाई का काम भी लगातार जारी है। वहीं ठीक ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है। भारत चीन के बीच लद्दाख के पेंगोंग और गलवान में हुए ताजा विवाद के बाद लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत सरकार इस समस्या का समाधान डिप्लोमेटिक स्तर पर करने का प्रयास तो कर रही है, मगर चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहा है। वहीं इन सबको ध्यान में रखते हुए अजीत डोभाल ने चीन की भारत के खिलाफ जासूसी की बात एक बार फिर से दोहराई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी, तब भी मैंने सही बात दोहराई थी और अभी भी यही बात दोहरा रहा हूं कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार से चीनी ऐप को बंद करने के फैसले पर उठाया सवाल। भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। वहीं भारत सरकार ने बीते दिन 59 चीनी ऐप को बंद करने का फैसला सुनाया था। हालांकि इन ऐप को भारत के युवाओं के बीच में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिलता था और डिजिटल मार्केट पर बड़ा कब्जा था, जिसके बाद विपक्षी सरकार ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस ऐप की टाइमिंग और चिन्हित ऐप पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी कहा है कि रविशंकर प्रसाद जी, क्या आपने चीनी ऐप पर लगाए प्रतिबंध पर पूरा विश्वास है? ऐसे में दो सवाल है कि जो लोग भी VPN से बैन हुए ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या, और दूसरा लाखों फोन में जो ऐप अभी भी है उसका क्या, क्या वो किसी तरह की कोई परेशानी में है या नहीं? सरकार का यह फैसला प्रतीकात्मक ज्यादा महसूस हो रहा है। COVID-19 की वजह से टाटा स्टील को मार्च तिमाही में 1615 करोड़ का पहुंचा नुकसान। निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टाटा स्टील को COVID-19 की वजह से 1615.35 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। टाटा स्टील ने शेयर बाजार को यह सूचना दी है कि एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 2295.25 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। उसने COVID-19 के कारण उत्पन्न अनिश्चितता को लेकर के अपने परिचालन को तर्कसंगत बनाने और संभावित व्यवधानों का समाधान करने के लिए नकदी बचाने का निर्णय लिया है। कंपनी की कमाई 2019 की जनवरी मार्च तिमाही में घटकर 35,050 करोड़ रुपए रह गई है। वहीं इससे पहले साल में इसे तिमाही 42,913.73 करोड़ रुपए थी। वहीं टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक TV नरेंद्र ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है। SSC CGL रिजल्ट से पहले वैकेंसी डिटेल हुई जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने CGL परीक्षा के रिजल्ट से पहले वैकेंसी डिटेल जारी कर दी है। रिजल्ट इन वैकेंसी के आधार पर की जाएगी। इतना ही नहीं, SSC CGL 2019 वैकेंसी डिटेल्स के मुताबिक ग्रुप बी और सी पदों पर करीब 9500 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स एंड कस्टम में इंस्पेक्टर के पदों पर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के 1456, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट में अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की 678, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेडिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की 840 वैकेंसी, ऑफिसर अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट में ऑडिटर के 500 वैकेंसी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SSC CGL के आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी ले सकते हैं। भारत के पहले COVID-19 के टीके को DCGI से क्लिनिकल ट्रायल की मिली अनुमति। भारत की पहली स्वदेशी COVID-19 के टीके को भारतीय औषधि महानियंत्रक से मानव पर परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। यह कोवैक्सीन नामक टीके को पहले और दूसरे चरण का परीक्षण शुरू होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि टीके के विकास में ICMR और NIB का सहयोग महत्वपूर्ण है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि SARS-CoV-2 वैक्सीन को पुणे स्थित NIB में अलग किया गया है, जिस पर भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण ने कहा है कि हम COVID-19 के विरुद्ध भारत के पहले घरेलू स्तर पर विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन का ऐलान करने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत में COVID-19 मरीजों के ठीक होने की संख्या पहुंची 58.67% पर।
भारत में जहां एक तरफ कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरीजों के ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड 19 के बढ़ते हुए मामले और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 111,602 हो चुका है और कोविड 19 से 321,722 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोविड 19 से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 58.67% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 12,010 कोविड 19 से मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान समय में कुल 210,120 सक्रिय मामले मौजूद है और सभी सक्रिय मामले चिकित्सक निगरानी के अंतर्गत हैं। व्यापारियों ने चीन से 10 साल पुराने डील को भी तोड़ा। भारत के साथ तनाव उत्पन्न करने के बाद चीन और भारत के बीच में लगातार नाराजगी देखी जा रही है। इसी क्रम में व्यापारिक स्तर पर चीन को एक और झटका देते हुए अलीगढ़ की कोरिया लॉक हार्डवेयर फॉर्म में चीन से 10 साल पुराना करार तोड़ दिया है और अब भारतीय उत्पाद बनाने का फैसला लिया है। इससे पहले भी शहर के कई कारोबारियों ने चाइना से व्यापार समाप्त कर दिया था। कारोबारी प्रदीप गर्ग और अमित अग्रवाल ने 1991 में मोती मिल कंपाउंड में कोरिया लॉक एंड हार्डवेयर फॉर्म की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने चाइना से भी कई उत्पाद मंगवाते हुए कारोबार को आगे बढ़ाया था। करीब 10 साल पहले चाइना की एक फर्म से उनका हार्डवेयर उत्पादों को लेकर भरा हुआ था। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अनलॉक 2 में किन किन क्षेत्रों में छूट देने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।